हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू साइद और आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टीम इंजन सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप एक बड़ा सा ये देख रहे हैं, ये स्टीम इंजन सिस्टम लगा हुआ है। इधर आप देख सकते हैं, इधर पाइपलाइन आपको कनेक्शन पाइप सब यहाँ पर दिख रहे होंगे, इसके बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ स्टीम इंजन काम क्या करता है। स्टीम इंजन जो होता है वो पानी को मतलब गर्म करके वो भाप बना देता है, उस भाप को स्टीम बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर में यहाँ इधर में रूम बना हुआ है। यहाँ पे मतलब बैठ के स्टीम लेने के लिए यहाँ पे एक रूम है, जिससे ये मशीन होता है वो अंदर में हम लोग पाइपलाइन दिए हैं, वहाँ पे मतलब भाप निकलता है तो वहाँ बैठ के लोग स्टीम लेते हैं। तो ये हम लोग अभी नया नया फिटिंग किए हैं, तो इसका फिटिंग हम लोग कैसे किए हैं और काम ये कैसे करता है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ इसका पाइपलाइन के बारे में समझा देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे कनेक्शन पाइप लगा हुआ है, दो यहाँ पे, तीन और चार यहाँ पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये GI पाइप है, ये लोहा का पाइप है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कनेक्शन पाइप दिया हुआ है, एक यहाँ पे चाबी दिया हुआ है और इधर में भी एक चाबी दिया हुआ है। दोस्तों, ये जो चाबी आपको दिख रहा है ये मेन पानी का लाइन है, मतलब ये इनलेट है। यहाँ पे देख सकते हैं वाटर इनलेट भी लिखा हुआ है और ऊपर में यहाँ पे दो GI का पाइपलाइन दिया हुआ है। ये पाइपलाइन दिया हुआ है, ये 9 इंची का पाइप है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मतलब स्टीम आउटलेट लिखा हुआ है, देख सकते हैं ये दोनों आउटलेट है, इससे मतलब स्टीम जाता है, ये पानी आता है इससे और ये पानी गर्म होकर स्टीम मतलब पानी गर्म हो जाता है, भाप बन के इस पाइपलाइन से द्वारा वो रूम में जाता है। और यहाँ पर एक ड्रेन दिया हुआ है, मतलब कभी पानी को अगर निकालना हो तो इसके लिए यहाँ पर एक ड्रेन पाइपलाइन दिया गया है और इसका चाबी है। तो और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर में यहाँ पे एक कंट्रोलर बॉक्स दिया गया है, आप देख सकते हैं ये ऑपरेटिंग कंट्रोलर बॉक्स है और ये स्टीम है। इधर इसका वायर से इसका कनेक्शन पूरा किया हुआ है और यहाँ पे एक मेन वायर है, देख सकते हैं ये मेन तार है इसका। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका स्विच दिया गया है, ये मेन स्विच है, इसको हम लोग ऑन करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। और इधर भी देख सकते हैं, इधर में एक ये कंट्रोलर ऑपरेटिंग डिस्प्ले दिया गया है, इसी से मतलब कंट्रोल होता है और बहुत से इसमें फंक्शन दिए गए हैं, मैं इसको चालू करके दिखाऊंगा और लास्ट में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे स्टीम मतलब भाप निकलता है तो ये कैसा मतलब निकलता है और कैसा दिखता है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको चालू करके इसको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये MCB इसको मैं चालू कर देता हूँ, चालू करने के बाद देखते दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लाइट ब्लिंकिंग होने लगा, मतलब यहाँ पर लाइट जल गया, ये मशीन चालू हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले है, स्क्रीन है, ये भी चालू हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे चाबी ऑन है कि नहीं, क्योंकि पानी जब आएगा तभी यहाँ पे भाप बनेगा। तो वो मैं ऑन कर लेता हूँ, ये चाबी ऑन हो गया है, अब इसमें पानी आने लगा है। अब इसको चालू करने के लिए यहाँ पर ये स्क्रीन दिया गया है, स्क्रीन को मैं दबाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पूरा ऑन हो गया है। और इसको चालू करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दो डायरेक्शन दिए गए हैं, तो इसको मैं इसको ऑन करना पड़ता है और इसको दोनों को ऑन करने के बाद मशीन यहाँ पे देख सकते हैं मशीन चालू हो गया है। और यहाँ पे सेल्सियस दिखा रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इसका टेम्परेचर दिखा रहा है और यहाँ पर ब्लूटूथ दिए गए हैं, यहाँ पर बहुत से और फंक्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, मशीन चालू हो गया है, अभी यहाँ पर अंदर मैं आपको दिखाऊँगा कैसा यहाँ पर भाप निकलता है। दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली जो हम लोग काम किए हैं, जो यहाँ पे आउटलेट है, स्टीम आउटलेट है, यहाँ पे हम लोग GI का पाइपलाइन हम लोग यूज़ किए हैं और कंपनी भी बोलता है कि आप इसमें GI का लोहे का पाइप यूज़ कीजिए। यहाँ CPVC पाइप हम लोग यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो बोले कि ये स्टीम आउटलेट है, इस यहाँ पर आपको GI का पाइपलाइन ही यूज़ करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर GI का पाइपलाइन हम लोग दिए हैं। इसके दीवार के अंदर ये पाइपलाइन गया है और दोस्तों आप देख सकते हैं चालू करने के बाद यहाँ पर स्टीम ऑन हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे GI पाइपलाइन दिए गए हैं अंदर में, यहाँ पे पाइप भी आपको दिख रहा होगा, इसको अभी कवर नहीं किया गया है। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दो स्टीम लाइन दिए गए हैं, इस कोने में दिया गया है और एक यहाँ पे दिया गया है अंदर में। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर GI का ये पाइपलाइन है, उसी से स्टीम बाथ निकल रहा है। और यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए मतलब स्टीम, अगर ये पूरा तरह चालू हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे बैठ के मतलब स्टीम लेने के लिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे काउंटर बनाया गया है।
और इधर में एक बाथरूम है अंदर में, अभी अंधेरा है तो इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ चालू करके मैं आपको दिखाना चाहता था। दोस्तों चालू पूरा हो गया, देख सकते हैं पूरा यहाँ पे भाप निकलने लगा है। और दोस्तों जिससे बहुत से बीमारी होते हैं वो मतलब भाप लेने से वो दूर हो जाते हैं। वो दोस्तों देख सकते हैं मेरा चेहरा भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पूरा भाप भाप हो चुका है, पसीना पसीना मुझे यहाँ पे लग रहा है अंदर में, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ से निकल गया हूँ और मैं आपको फिर एक बार अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। अभी हम लोग बाहर हैं दोस्तों, देख सकते हैं बाहर में ये स्क्रीन है, यहाँ पे मैं ऑन किया था और यहाँ पे दरवाज़ा है, दरवाज़ा के अंदर पूरा दोस्तों देख सकते हैं पूरा भाव भाप हो चुका है। और इधर में मशीन है, यहाँ पे दोस्तों ये पूरा ऑपरेट होता है ये मशीन में, मतलब आप इसमें ब्लूटूथ से भी आप इसे कनेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे म्यूज़िक भी आप इसमें सुन सकते हैं और यहाँ पे इसे पूरा कंट्रोल होता है, आप इसे बढ़ा भी घटा भी नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। पूरा भाप भाप हो चुका है रूम, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये ऑफ हो चुका है, अब मैं यहाँ से भी मेन लाइन इसका ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये ऑफ हो गया है और इधर भी मैं चाबी जो इसका ऑन किया था उसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, स्टीम इंजन के बारे में आपको कुछ बहुत सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बारे में कुछ अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।